सद्भाव, समरसता यदि आपको सीखना हो, देखना हो, तो आइए एक बार भारत की भूमि में आइए। इसको यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म को मानने वाले एक साथ प्रेम से रहते हैं, इसीलिए भारत की भूमि देवभूमि है। नमस्कार, मैं हूँ संदीप अखिल। आज पूरे देश ने बता दिया, पूरे विश्व को बता दिया कि भारत कैसा देश है। 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, तो पूरे विश्व की निगाहें भारत पर थीं कि आखिर होगा क्या, और जो हुआ वो ऐसा हुआ कि पूरे विश्व के लिए एक अच्छा उदाहरण बन गया। सद्भाव और समरसता का जो रस, जो धारा भारत ने प्रवाहित किया है, वास्तव में युगों युगों तक इसको याद किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आज हम बात करेंगे अयोध्या के बारे में, कि अयोध्या का निर्णय और उसके बाद भारत के लोगों के बीच जो प्यार, जो आपसी भाईचारा, जो निर्णय, जो सही मार्गदर्शन देखने को मिला, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक उदार अवधारणा से अयोध्या विवाद का फैसला हुआ। 9 नवंबर का दिन भारतीय इतिहास के लिए अविस्मरणीय दस्तावेज बना, जब 491 वर्ष बाद श्री राम मंदिर बनने का एक सात्विक आस्था के साथ भारत की धवल परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, उसका सम्मान करते हुए अयोध्या में 2.77 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने रामलला को सौंप दी। इस ऐतिहासिक निर्णय की विशेषता यह है कि मुस्लिम संप्रदाय की भावना का भी पूर्ण सम्मान आदर करते हुए अयोध्या में ही मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि की व्यवस्था की गई। सभी न्यायाधीशों ने बड़े तर्क और तथ्य के साथ आधार पर यह निर्णय लिया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि विवादित ढांचे के नीचे मिले अवशेष इस्लामिक मूल के नहीं है। मतलब न्यायालय ये मानता है कि वहां मंदिर था, परंतु ASI की रिपोर्ट यह रेखांकित व स्पष्ट नहीं है कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर तोड़ा गया था कि नहीं। इस तरह मुस्लिम समाज के तर्कों पर न्यायालय ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। हम आपके जो तर्क हैं, आपके जो पक्ष है, उसके प्रति गंभीर हैं, पर सबूतों और प्राप्त अवशेषों के आधार पर जो निर्णय लिया गया है, वो इस तरीके का निर्णय लिया गया है। माननीय न्यायालय ये भी स्पष्ट किया कि लंबे समय से हिंदू यहाँ विवादित जगह पर ही श्री रामलला का पूजन करते रहे हैं। 23 दिसंबर 1949 को श्री रामलला नाबालिग की ओर से विश्व हिंदू परिषद ने नेता त्रिलोकनाथ पांडे ने यहाँ पर आपत्ति दर्ज की थी। 29 दिसंबर 1949 को यहाँ इसको सील कर दिया गया। देवकी नंदन अग्रवाल ने 23 दिसंबर 1949 को राम चबूतरियों की मूर्ति रखी थी और यह तर्क रखा था कि संपत्ति के मालिक रामलला ही हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर विद्यान न्यायाधीशों ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए भारतीय मान्यताओं की उच्चता को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मों को अपनी आराधना उपासना पद्धति का सम्मान करते हुए इसको ध्यान में रखकर 5 एकड़ जमीन मस्जिद को देने का निर्णय लिया। निर्मोही अखाड़ा और शिया वक्फ बोर्ड के दावों पर संतुलित, व्यवस्थित और स्वस्थ निर्णय दिया। यदि गंभीरता से इस निर्णय को समझने का प्रयास करेंगे, तो हम पाएंगे कि संवैधानिकता की सशक्त आधार भूमि पर भारतीय मूल्यों की मंजूषा की स्थापना ही है, स्वस्थ समाधान है जो सियासी और धार्मिकता की भावना से मुक्त है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी के मालिकाना हक का जो निर्णय है, आस्था या यकीन के आधार पर नहीं, सबूतों के आधार पर होता है। सब मिलाकर बहुप्रतीक्षित इस विवाद का पटाक्षेप पूरी पारदर्शिता के साथ, गंभीरता के साथ, सभी मान्यताओं का, सभी का सम्मान करते हुए उदार अवधारणा के साथ एक स्वस्थ समाधान कारक स्मरणीय निर्णय इसे कहा जा सकता है। यदि हम अतीत में जाकर इस पीड़ादायक प्रसंग के उद्भव को लेकर समापन तक देखें, तो हम पाएंगे कि भारत के इतिहास का ये अप्रिय प्रसंग था, जिसका जन्म देश काल और बदलते राजनीतिक परिवेश और मान्यताओं के कोख से हुआ था। वरना सियाराम में सब जग जानी, सर्वे भंतु सुखीना, जर्रे जर्रे में रहमत उसकी, वह जगह बता जहां खुदा नहीं। इस विराट सोच, चिंतन के विचारधारा की भारत भूमि, जिसमें सामाजिक सद्भाव, बंधुत्व, सहिष्णुता और संवेदना के साथ सामाजिक समरसता में जीने का आदि है भारत, यह विवादित प्रसंग एक अध्याय जख्म बनकर रिस रहा था, जिसके इलाज के लिए समय समय पर अपने ढंग से लोगों ने चिकित्सा करने का प्रयास किया। कारण जो भी रहा हो, पीड़ा कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ता गया। इस प्रकार की संक्रमणता ने सामाजिक समरसता को ध्वस्त कर दिया था, असहज एवं अनिश्चितता का वातावरण निर्मित कर दिया। इस निर्णय से अपनी श्रेष्ठता, उच्चता, पारदर्शिता माननीय उच्च न्यायालय ने सिद्ध कर दिया है। हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर गर्व है, जैसे उगते हुए सूरज की किरणों में कोई भेद नहीं होता। चंद्रमा की रजत धवल चांदनी सबके लिए एक होती है। ठंडी हवाओं का कोई मजहब नहीं होता, गाँव वतन देश नहीं होता।
भेद नहीं होता। मासूम बच्चे की मुस्कुराहट को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि यह मुस्कुराहट हिंदू की है कि मुस्लिम की है कि सिख की है कि ईसाई की है। मुस्कुराहट तो मुस्कुराहट है। परमात्मा की कृपा की तरह, खुदा की रहमत की तरह इस पवित्र भावना में विराजमान रेखा हमारी संकीर्ण भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं से खींचती है। निर्णय हमें सचेत करता है कि मान्यताओं के पवित्र आंचल में ऐसा कलंक ना लगे, उसमें कोई ऐसा जख्म पैदा ना हो कि कालांतर में वो नासूर बन जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।